नंदी ने यहाँ पर यूपी सीडा के मुख्यालय में अफसरों संग बैठक करी और दो ऐप लॉन्च किए। इन ऐप के जरिए अब शासन व्यवस्था में और कार्यशैली में पारदर्शिता लाने का संकल्प लिया गया। इसी के साथ अफसरों की जवाबदेही को भी तय किया जाएगा। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तौकीर राजा के विवादी बयान पर कहा कि ऐसा बयान देने वाले लोगों के लिए यूपी में कोई स्थान नहीं है और अगर उन्हें ऐसा बयान दिया है तो उन पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसे वो याद रखेंगे। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जिन्होंने इस प्रदेश में गुंडों के खिलाफ, अपराधी माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। आज पूरी दुनिया में जैसे भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन माना जा रहा है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है इंडस्ट्री के लिए। उसमें सीडा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आज आया था, करीब 12-13 बिंदु पर हमने सूचनाएं मांगी थी और उसकी डिटेल में समीक्षा हुई। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थी उस पर चर्चा हुई कि आगे उस पर सुधार कर लिए जाएंगे और एक हफ्ते में उसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। दूसरा, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर महेश्वरी जी, जो इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, वो भी मौके पर जमीन पर उतर करके जो इंडस्ट्रीज है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कैंप लगाएं और मैं खुद भी जगह जगह इंडस्ट्रीज के जो समस्याएं हैं पहले से निर्धारित करके 15 दिन पहले उनको बता करके, चाहे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाहे फिक्की या जो भी एसोसिएशन है इंडस्ट्रीज के, उनके साथ बैठ करके उनकी जो भी समस्या है वहीं बैठ करके वहीं निस्तारित करेंगे। तो ये एक बदलाव जमीन पर दिखाई पड़े, इसके लिए हम और पूरा डिपार्टमेंट काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK न्यूज़।